अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ हुसैन और आप देख रहे हैं टेक्निकल हुसैन यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना यूनिक नेम कैसे ढूंढ सकते हैं, वो भी यूट्यूब चैनल के ऊपर। जब भी आप अपना नया यूट्यूब चैनल बनाएं तो चैनल बनाने से पहले आप यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर आएँ और यहाँ पर तलाश करें कि क्या उस तरह का कोई यूट्यूब चैनल है या नहीं, या एक नया नाम आप ढूँढना चाहते हैं तो वो भी तरीक़ाकार आपको आज मैं इस वीडियो के अंदर बताऊँगा, ताकि जब भी आपका चैनल सर्च किया जाए तो आपका चैनल नंबर वन पर आए। जैसे यहाँ पर मेरा नाम जो है सर्च किया जाता है तो सबसे पहले जो है मेरा चैनल यहाँ पर रैंक करता है, शो हो जाता है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा चैनल सबसे ऊपर पहले नंबर पर आया है। तो फ्रेंड्स आपने करना क्या है, यूट्यूब को ओपन करना है। यूट्यूब को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने अपने माइंड से एक नाम सर्च करना है। जैसे कि अगर आप कोई इस्लामिक चैनल बनाना चाहते हैं, फ्रेंड्स सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर आपका कोई इस्लामिक चैनल है और वो सर्चिंग में नहीं आ रहा तो उसका नाम आप चेंज भी कर सकते हैं और नाम थोड़ा सा यूनिक रखें। जैसे यहाँ पर मैं इस्लामिक लिख देता हूँ और इस्लामिक यहाँ पर इस्लामिक टार्क एंड वज़ाइफ, इस्लामिक चैनल के काफ़ी सारे नाम आपके सामने आ जाएंगे। तो आपने इस्लामिक न्यू डाटा DETA एक नया और यूनिक सा नाम, तकरीबन इस नाम से यूट्यूब का कोई भी चैनल नहीं होगा। हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई भी चैनल इस्लामिक न्यू डाटा के नाम से यहाँ पर नहीं है। ये जो भी है इनके अंदर इन्होंने टैग्स इस नाम का दिया गया होगा, जबकि चैनल इस तरह का किसी का भी नहीं है। अगर आप अपने चैनल का नाम चेंज करना चाहते हैं तो इस्लामिक न्यू डाटा लिख दें, जो भी इस्लामिक भाई हैं जिनके इस्लामिक चैनल हैं, ताकि उनको बेनिफिट हो जाए और इस नाम से उनका चैनल जो है पहले नंबर पर, फर्स्ट नंबर पर ग्रो करना स्टार्ट हो जाए, पहले नंबर पर आ जाए। तो अभी आते हैं जी, अगर कोई भाई व्लॉग बनाते हैं तो आपने व्लॉग के साथ अपना खुद का नाम ज़रूर लिखना है। जैसे यहाँ पर मैं लिख दूँ व्लॉग टेक्निकल अय्यूब हुसैन, तो तकरीबन इस नाम से जो है कोई भी नया चैनल नहीं होगा। अगर यहाँ पर ब्लॉग टेक्निकल हुसैन लिखता हूँ तो इस नाम से कोई भी तकरीबन चैनल नहीं होगा। और जो भी होगी उन वीडियो के अंदर कहीं ना कहीं टाइटल टैग या डिस्क्रिप्शन के अंदर इस तरह का कहीं ना कहीं वर्ड दिए गए होंगे, जिसकी वजह से वो सर्चिंग में आ रहे होंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे खुद का चैनल ही आ गया, जबकि व्लॉग का कोई चक्कर नहीं आया, व्लॉग नाम का कोई भी चैनल यहाँ पर नहीं है। मेरा टेक्निकल हुसैन मेरा अपना चैनल आ गया, जबकि व्लॉग जो है नहीं आया है। तो इस तरह से है, क्योंकि ये यूनिक नाम है, ये नाम अभी तक किसी ने भी अपने चैनल के ऊपर नहीं रखा। तो इस तरह के आप नाम ढूंढा करें। अगर आप मिसाल के तौर पर, यहाँ मैं आपको एक और बता दूं कि अगर आपका चैनल सर्चिंग में नहीं आ रहा, तो जैसे मैं यहाँ पर लिख दूं इस्लामिक .001, ये एक यूनिक सा नाम है, Islamic.001। तकरीबन इस नाम से भी कोई भी यूट्यूब चैनल नहीं होगा। ये मेरी अपनी एक सोच है, किसी ने आज तक शायद इस तरह का ना सोचा हो और उन्होंने अपने चैनल का नाम इस तरह का नाम ना रखा हो। यहाँ पर लिख दें, देख लें कि खान अकेडमी के नाम से वीडियो शो हो रही हैं, जबकि Islamic.001 के नाम से जो है यहाँ पर कोई भी यूट्यूब चैनल नहीं मौजूद। तो आप अपने चैनल का नाम भी चेंज कर सकते हैं, और अगर नया चैनल बनाना चाहते हैं तो इस तरह के नाम आप ढूंढा करें, एक यूनिक नाम। और अगर आपके ऐसे चैनल हैं जो आपके अपने नाम से आप चाहते हैं कि वो बहुत ही अच्छे हैं, हमें बहुत पसंद है, तो आप उनके साथ कुछ इस तरह के वर्ड लिख लें, गिनती के अपने गांव का नाम लिख लें या कोई भी लिख दें, ताकि वो जो है सर्चिंग में आना स्टार्ट हो जाए। तो इस तरह से आप अपने चैनल का नाम को यूनिक में तब्दील कर सकते हैं, यूनिक नाम बना सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों मेरी आज की वीडियो आपको मुकम्मल समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलेंगे इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।